भारत में हाल ही में Realme ने अपने नार्जो सीरीज को लॉन्च कराया। इस बार जो स्मार्टफोन हमारे पास रिव्यू के लिए है वो Realme नार्जो 50 है। काफी नए डिजाइन के साथ आया, काफी सारे फीचर्स है, करेंगे इसको रिव्यू, बताएंगे कैसा है स्मार्टफोन। आप देखते रहिए जी बिजनेस। आइए स्टार्ट करते हैं Realme नार्जो 50 के डिजाइन के साथ। तो हमारे पास जो वेरिएंट है वो स्पीड ब्लू कलर का है। इसके रियर पैनल को देखें तो मैट फिनिश वाला है, फोन काफी शाइन कर रहा है और फिंगरप्रिंट मार्क्स भी बहुत कम अट्रैक्ट कर रहा है। आपको यहाँ पे प्रोटेक्टिव केस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डिजाइन की बात करें तो बजट रेंज में काफी अच्छा डिजाइन है। फोन थोड़ा हैवी है लेकिन स्लिपरी नहीं है, और सबसे अच्छी बात है ये इजी टू कैरी है। बात करें डिस्प्ले की तो Realme नार्जो 50 में मिलता है आपको 6.6 इंच का अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। ये डिस्प्ले गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए काफी अच्छा है। सबसे अच्छी बात है डिस्प्ले साइज की वजह से आपका जो ओवरऑल वीडियो एक्सपीरियंस होगा काफी अच्छा रहेगा। इवन आउटडोर कंडीशंस में आप देख सकते हैं कि स्मार्टफोन में जो ब्राइटनेस और इवन लो लाइट कंडीशंस में जो डिस्प्ले परफॉर्मेंस था वो बहुत अच्छा रहा। नार्जो 50 एक एंड्रॉइड 11 बेस्ड स्मार्टफोन है एंड इट रन्स रियलमी यूआई 2.0। अब बात करें बैटरी और उसके परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आपको मैसिव 5000 mAh बैटरी मिलती है और स्मार्टफोन फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं बैटरी परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर आपको एक दिन से ज़्यादा बिना दिक्कत के स्मार्टफोन को यूज़ कर पाएंगे और हीटिंग इश्यूज भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस हमारा बैटरी को लेके वो अच्छा रहा और काफ़ी स्मूथ रहा। Realme नार्जो 50 में MediaTek Helio G96 गेमिंग चिपसेट यूज हुआ है। ये चिपसेट बेसिक टास्क गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए काफी अच्छा है। अगर हम बजट कैटेगरी की बात करें तो वीडियो स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग एक्सपीरियंस हमारा काफी अच्छा रहा थैंक्स टू दिस प्रोसेसर। इवन आप हमारी वीडियोस में देख सकते हैं जो हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस है यहाँ पर गेमिंग को लेकर कितना स्मूथ रहा। बात करते हैं Realme नार्जो 50 के कैमरा स्पेसिफिकेशंस और उसके परफॉर्मेंस की तो पीछे की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ स्मार्टफोन आ रहा है और पीछे 50MP का मेन कैमरा दिया गया है। वहीं सेल्फीज एंड वीडियो कॉल्स के लिए यहाँ पर 16MP का कैमरा दिया गया है सामने। बजट रेंज में अगर हम स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को जज करें तो यहाँ पे रियर और फ्रंट दोनों कैमरेज ने काफी अच्छा परफॉर्म करा है। इमेजेस आप देख सकते हैं काफी कलरफुल और काफी ब्राइट आ रही है। हालांकि लो लाइट कंडीशंस में स्मार्टफोन के जो कैमरा परफॉर्मेंस थी हमें थोड़ी सी कमी देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल जो कैमरा एक्सपीरियंस था काफी अच्छा रहा। अब आते हैं प्राइसिंग पे तो Realme नार्जो 50 इंडिया में दो वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है। जहां बेसिक मॉडल की कीमत 12,999 रुपये रखी गई है, वहीं हायर मॉडल के लिए आपको 15,499 रुपये देने होंगे। द ओनली डिसअपॉइंटिंग फैक्टर अबाउट द स्मार्टफोन इज ये 5G नहीं है। हालांकि इस रेंज में आपको 5G स्मार्टफोन इजिली मार्केट में मिल जाएंगे। Vivo T1 5G इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसी प्राइस रेंज में आपको Vivo का T1 स्मार्टफोन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो मेजर कमी दिखेगी वो 5G की कमी दिखेगी। आते हैं Realme नार्जो 50 के वर्डिक्ट में तो हमें स्मार्टफोन में मिलता है अच्छा प्रोसेसर, अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस, साथ ही साथ एक बेहतरीन प्राइस। हमारे रिव्यू में स्मार्टफोन ने अपने प्राइस को जस्टिफाई करा है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कैसा लगा ये वीडियो और ये स्मार्टफोन।